यह है बेटे मेरे इश्क की दास्तान। हो गया। अरे नहीं, शादी के बाद क्या हुआ? हनीमून के लिए? दादाजी, हाँ, वाकई दादी ने आपको मंदिर बुलाया था। लगता है तू बोर हो गया है ना। कोई बात नहीं बेटे, मैं मंदिर जाके आता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, लड़कियों के मामले में हिम्मत है मर्दा मत दे खुदा। या मर्दा या खुदा, वरना दादा तो है ही। गुड लक बेटे, थैंक यू दादाजी, थैंक ऑल द बेस्ट। यू, थैंक यू दादाजी। अरे आगे बढ़ो, फतेह करो, आगे तुम्हारी जीत है। मैं शेव करके आता हूं। अबे कितनी बार शेव करेगा? अरे मैं नहीं ये बोल रहा यार। जा दरवाजा खोल। अरे इस वक्त कौन आया होगा? निराली, अरे गुड। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सुनो, हाँ मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। हाँ? नहीं, वो पीछे से लगता होगा। मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। सुनो भाई, ए अरे मेरी बात तो सुनो, मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे अरे तुम मेरी तरफ घूमती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना। तो ओके ओके ओके, मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? हाँ, वो मंदिर गए। मंदिर गए हैं? अरे भाई तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई बताओ, ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी मैं भिखी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप पंधे हैं? हूँ, क्या कर लेगा पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के। हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है ठीक है, आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? अब टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? Oh, can't see? I can see. I can वो see. वो घड़ी दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। वो नहीं, ये अच्छा ये मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम कि कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं नहीं, मारिए मत सर, सर मारिए मत सर, मेरी बात सुनो। क्या काम था? बात सुनो। एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा कौन? पूजा पूजा अर्चना। के अर्चना तय कर ले पहले। लड़की कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो जुचुआ तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है, मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व। थूकता है, थूकता है ना लाए। वक्तृत्व स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। कौन है?
बर्फ पड़ने वाली है। ओ, नमस्ते माँ जी, आप भी अंधी हैं? आप भी अंधी हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? मैं निकलता पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है? ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ। वहां क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहां है। अबे कार्ड तो देखे जा। ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, नहीं, ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। ले ना, ले ना, देख ना, बहुत मारते आप लोग। जय मदर मेरी। हेलो 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 जी, मैं समीर बोल रहा हूँ, अमेरिका से। आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है भाई? मैं पांडू। देखिए मिस्टर पांडू, मिस्टर आंडू, आप जो भी हो, मेरे ग्रैंडफादर से कह दीजिएगा कि मैं आज अमेरिका से लौट रहा हूँ। रात को 1:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी। एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। थैंक यू। क्या हुआ गोपाल, क्या हुआ? समीर आ रहा है। क्या? समीर आ रहा है, समीर आ रहा है, समीर आ रहा है। अरे सब वही तो बोल रहे यार। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन इसकी जाल में फंस जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग भी सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाएं यार, ऐसा घर भी तो मिलना चाहिए ना। जा तो बूढ़े हो, दोनों अंधे हो, दोनों आगे पीछे कोई नहीं हो, ऐसा घर मिलने को टाइम लगता है यार। यार तुझे घर की पड़ी है या पुलिस का चक्कर हो सकता है? ए ओ, नहीं, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं जा रहा हूं। अरे चुप करो यार, तुम लोग सोचने तो दो, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। संदूक, संदूक, संदूक। यार इसमें जरूर माल होगा। हाँ यार, फिल्मों में दिखाते हैं ना, संदूक खोला और उसके अंदर हीरे, जवाहरात, सोना, अशरफियाँ। क्या तुम्हारा इसे भी चोरी करने का इरादा है क्या? हाँ नहीं, देख गोपाल नहीं है। गोपाल देख, नहीं गोपाल क्या कर रहा है तू? अरे माधव समझा इसको। गोपाल देख, नहीं नहीं, अरे पागल हो गया तुम लोग? जिस घर में तुम्हें इतना प्यार मिला, जिस घर का तुम लोगों ने खाया पिया, उसी में छेद करोगे? मैं छेद थाली में होता है यार, घर में थोड़ी होता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता है तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे यार चोरी थोड़ी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अगर कुछ मिल गया तो लोन लेके लौटा देंगे। देख गोपाल ये पाप है। हाँ देखिए दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। देख भगवान भी ना बोल रहा है, गोपाल बात मान ले मेरी। गोपाल नहीं, अच्छा उस तरफ से खुलता है। देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ ये गलत है। अबे यही सही है, इसमें अगर माल होगा ना मैं पिक्चर बनाऊंगा और तुम सबको लूंगा उसमें। चल यार खुलने तो दे। रुक जाओ बेटे, इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग तो मैं तो यूं ही देख रहा था कि मैं बताता हूं इसमें क्या है। ये तेरा कंपास बॉक्स, तू 6 साल का था तब तूने जिद की थी। और ये देख गन, दिवाली के लिए पूरे घर में से धाए धाए करके घूमता रहता था तू। हाँ
और ये तेरी गाड़ी, इसे लेकर पूरे आंगन में घूमता रहता था, दिन भर खेलता रहता था इसे। ये क्या दादाजी? अस्थियां। किसकी? समीर की। मेरा पोता अमेरिका में पैदा हुआ था, हम उसे मिलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमारी आंखें चली गई। तो मैंने हिम्मत करके मेरे बेटे को हमारे एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया, उसे रहा ना गया, और वो मेरी बहू और पोते के साथ यहाँ आने के लिए निकल पड़ा। वो गाड़ी से एयरपोर्ट आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं बचा। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, कोई नहीं। ये बात मैं मंगला को नहीं बता सकता था, वरना वो मर जाती। ये सदमा सिर्फ मुझे ही बर्दाश्त करना था। मेरे एक कमिश्नर दोस्त ने अमेरिका जाने का मेरा अलग से इंतजाम कर दिया, पर वहां जाकर मैंने अपने इन्हीं हाथों से मेरे पूरे वंश का अंतिम संस्कार किया। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मंगला ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि कैसा है हमारा पोता, कितना बड़ा हो गया है, बात करता है कि नहीं करता, और आपने मेरे बारे में बताया कि नहीं, क्या बताता, क्या कहता। सच बताने की हिम्मत नहीं थी मुझे, हर रोज सोचता था कि आज बताऊंगा, आज बताऊंगा। फिर जिस दिन मैंने तय किया, भगवान ने तुम्हें समीर बना के भेज दिया। लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि तुम एक नहीं, 2 हो। और धीरे धीरे समझ में आया कि 2 नहीं, 4 है। और मुझे तुम्हारी इस झूठ से कोई एतराज नहीं था सच, क्योंकि मंगला बहुत खुश थी, बहुत खुश। लेकिन अभी अगर आप चले गए तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी, टूट जाएगी बेचारी, सच कहता हूं। टूटने के लिए अब बचा ही क्या है, आओ, इतना बड़ा धोखा, ये लोग जो भी है, ये लोग, इनसे मैं नाराज नहीं हूं क्योंकि ये पराए थे, लेकिन आप, आपने मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार भी नसीब होने नहीं दिया। मैं चाहती थी समीर को आखिरी बारी सही अपने कलेजे से लगाती, अपने गोदी में लिटाती। तुम लोग कौन हो? तुम लोग किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया तुम लोगों को एक बुढ़ा बुढ़ी के जज्बातों के साथ खेलने का? हाँ, बहुत बड़ा पाप किया है तुम लोगों ने, इतना बड़ा पाप जिसकी सजा इस दुनिया में नहीं। ये सब मेरा किया करा है, इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं, सिर्फ मैं हूं। ये मेरी गलती समझो या नादानी कि मैं यहां आया,
लेकिन इससे बड़ी गलती तो यह है कि जो प्यार परिवार मैं जिंदगी पर ढूंढता रहा, जब वो मुझे आप लोगों से मिला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया और आप लोगों का दिल दुखा दिया। आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। I love this बुड्ढा। बहुत हेल्प किया चश्मा लगा के अंकल ने अपुन का। अब कलश दे दो वरना एक एक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। कलश क्यों? कैसा? एक मौका दीजिए प्राश्चित का, भरोसा कीजिए हम पे। लक्ष्मण दादाजी आइए, आइए दादी जी आइए, इस तरफ दादी जी आइए आइए। ये अच्छा किया अंकल को अंदर भेज दिया। क्या चाहिए? कलश कलश ये। हाँ। लो। बस ये वही चारों जन है जिन्होंने मुझे 3 बार मारा था। इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। नहीं नहीं ये कहीं और से तो पिट के नहीं आ गया? नहीं आपकी कसम बबली भाई। बबली कौन? ये इमेजिन शोले में गब्बर जी का नाम स्वीटी। स्टॉप फायर डोंट फायर। मैंने सब सुन लिया है समीर की अस्थियों की कसम, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्टी बदल लिया साला। फायर फायर। गोली लाना भूल गए? हाँ गोली लाना भूल गए। अबे गोली घर पे है तो इससे क्या हॉकी खेलोगे? मारो जाके। अबे देख क्या रहे हो, ऊपर जाओ। स्विच ऑन करो। हम लड़ क्यों रहे? अस्थियों में तो आपको इंटरेस्ट है नहीं, मटका चाहिए क्या? क्यों? देख तेरे मेरे बीच की बात है। आइए सर। एक्सक्यूज मी सर, यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर। हीरे 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 राष्ट्रीय तौर पर गोइंग।
अबे ये क्या किया? मांगा तो दिया। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत दौड़ा है तूने। अरे क्यों मेरा कैरियर बर्बाद करने में तुला है भाई? कोई पूछता नहीं मेरे गैरेज को, बीवी ने मायके से आने से मना कर दिया भाई। प्लीज मेरा पैसा वापस कर दे प्लीज। आई एम वेरी सॉरी यार, मैं पता है कड़कती धूप में नंगे पाँव तुम्हारे पैसे लेके आया था तुम्हें देने के लिए, और पता है क्या हुआ? क्या? इसने चोरी कर लिए। अच्छा, ओए बच्चे के पैसे वापस कर सीधी तरह से। मैंने कब पैसे दिए? मैं तो नहीं मिला। नौटंकी नहीं, पैसा वापस कर बच्चे का। अबे तू कौन है लैंडलॉर्ड? बता इसको। देखिए ये मिस्टर वसूली है और ये मिस्टर बबली। बबली बबली अगले साल इनसे राखी बंधवाएंगे। बबली बबली मिले नहीं। हाथ नहीं लगाना। ओके। क्या हुआ? उसको भी। इट्स रियली डीप मैन। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। आइए कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, मैं जानता हूं इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो कुछ किया है उसे देखते हुए ये चारों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? हाँ, तुम चार आज से इस अंधे माँ बाप के श्रवण बन के रहोगे। और नदीम भी। नदीम भी। काई काई? तुम्हें तुम लोगों का इनाम 15 दिनों में मिल जाएगा। इनाम? किस लिए इनाम? इनाम इसलिए कि तुमने एक खतरनाक गैंगस्टर और हीरे दोनों को पकड़वाया है, इसलिए उसका 10% तुम्हें जरूर मिलेगा। कमाल है, मेरे पैसे। चाह अमीर आदमी देखा हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। गेट आउट। नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादाजी। अस्पताल में भी आचार लेने आ गई। हाँ दादाजी, आप भी ना। अगर ये बता, इन चारों बदमाशों में से तूने किस बदमाश को चुना है? अरे मैं यहाँ हूँ, कहाँ जा रही? आई डोंट माइंड। लकी को। डॉक्टर। अरे लेकिन ये तो बोल नहीं सकता है। या ओ नहीं, मुझे पता है कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा ही पति चाहिए था जो सिर्फ मेरी सुने और खुद चुप रहे। एक्सक्यूज मी आपकी कोई बहन वहन है? हाँ है ना, लेकिन सिर्फ 7 साल की। क्यों? बहुत वेट करना पड़ेगा।